जी बच्चों, आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस यस मैम। चलें जी, ठीक हो गया। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, और सेकंड लेक्चर में जो चीजें हमने आज डिस्कस करनी है, ये उससे आगे वाला है जो कल हमने डिस्कस किया था। इसमें हम देखेंगे कि एनिमल स्ट्रेटजीज फॉर गेटिंग एंड यूजिंग फूड। पहले कल तो हमने एक जनरल वे पढ़ा था कि हमारी डाइट में क्या क्या चीजें होती हैं, हम क्या क्या चीजें लेते हैं, वो हमारी बॉडी में किस तरह से यूटिलाइज होती हैं, और फिर वो यूटिलाइज होने के बाद जो है किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं, और देन उसका प्रोसेस क्या होता है। कुछ एनिमल्स का इंट्रा सेलुलर होता है, कुछ का एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारे अलावा भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनका मेथड ऑफ फीडिंग अलग है, मतलब वो और तरह से फीड करते हैं। कोई सक करके लेता है, कोई उसको फिल्टर करके लेता है। तो ये इस तरह से हम डिफरेंट उसके मेथड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फीडर्स, मतलब जो कंटिन्यूअस खाते रहते हैं और जो पॉजेज के साथ खाते हैं। जैसे हम अपनी एग्जांपल दें तो हम डिसकंटिन्यूअस फीडर्स हैं। हम सुबह के टाइम खाते हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद काफी लंच अगर कर लें, या लंच के बाद फिर हमारा डिनर होता है, तो हम ये नहीं होता कि सारा दिन ही खाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सस्पेंशन फीडर, डिपॉजिट फीडर्स, हर्बीवरी, प्रीडेशंस, सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और फ्लोइड फीडर्स। ये हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले है एनिमल स्ट्रेटजीज फॉर गेटिंग एंड यूजिंग फूड। इसमें सबसे पहला जो टर्म है वो है कंटिन्यूअस वर्सेस डिसकंटिन्यूअस। कहते हैं दे आर स्लो मूविंग और कंप्लीटली सिसाइल। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, या छोटे छोटे, इनको हम कहते हैं एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स खास तौर पर होते हैं। ये बहुत ही स्लो चलते हैं और सिर्फ सरफेस के साथ बिल्कुल रिंगते रहते हैं। आपने अपने घरों में कभी बहुत ज्यादा पानी वाली जगह पे वो सेंटीपीड्स नहीं होता, लंबे लंबे बालों वाली लंबी सी एक, आपको जैसे कॉकरोच टाइप आपको नजर आता है आपके घरों में, बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है, ठीक है, एनिमल उस तरह से बिल्कुल स्लो और कंप्लीटली सेसाइल, मतलब एक ही जगह पर स्टिक हुए होते हैं। दे रिमेन इन वन प्लेस, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस फीडर्स में क्या होता है, टेंड टू बी एक्टिव, बहुत एक्टिव होते हैं। समटाइम्स हाईली मोबाइल, बहुत तेजी से मूव करने वाले होते हैं। हैव मोर डाइजेशन स्पेशलाइजेशन, इन एनिमल्स में ज्यादातर ज्यादा जो है वो स्पेशलाइजेशन होती है। कंटिन्यूअस फीडर्स होते हैं बिकॉज डिसकंटिन्यूअस फीडर्स टेक इन लार्ज मील। जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं वो हर वक्त खाते रहते हैं, मतलब वो एक एक टाइम पे ज्यादा खाते हैं, बाद में पॉज ले लेते हैं। बट मस्ट बी आइदर ग्रुप्ड और स्टोर्ड और बोथ। मतलब समटाइम जैसे हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, तो वो कोई ऐसा तो नहीं होता कि हम एक नवाला लेके उठ जाते हैं, हम एक प्रॉपर जो है वो ब्रेकफास्ट करके फिर उठते हैं, तो वो स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में ताकि हम कुछ टाइम के लिए अपनी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकें। एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूअस फीडर्स में क्या है, कंटिन्यूअस फीडर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सस्पेंशन फीडर। इनको हम सस्पेंशन फीडर भी कहते हैं, और इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाते हैं ट्यूब वर्म, ब्रांचिल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टेन स्मॉल फूड पार्टिकल फ्रॉम वाटर। जैसे सस्पेंशन का मतलब होता है जैसे हम रेत है या डिफरेंट पार्टिकल्स को वाटर में ना ऐसे सस्पेंड कर दें, ठीक है, और उसके बाद एक एनिमल को अंदर छोड़ें, और वो पानी को छोड़ के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं ना उनको चुन चुन के, जैसे हम छान लेते हैं छन्नी से, इस तरह से वो अंदर से चीज़ों को सस्पेंड करके खा रहा होता है। डिसकंटिन्यूअस की जो फीडिंग की एग्जाम्पल्स है वो है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो ये जो हमारे लाइन टाइगर्स वगैरह हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, ये परस्यूड एंड कैप्चर लार्ज प्रे, एक लार्ज प्रे को कैप्चर कर लेते हैं। सो नो नीड टू कंटिन्यूअस फीड, मतलब इनको ज्यादा, इनको फिर जिसे कहते हैं ना, एक सारा हर वक्त खाने की जरूरत नहीं रहती, ये एक टाइम अच्छा खासा खा लेते हैं, उसके बाद काफी टाइम इनका जो है वो गुजर जाता है। देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज लार्जर देन कार्निवोरस। वैसे जो वो कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कार्निवोरस से ज्यादा बड़ा होता है। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, स्पेंड मोर टाइम ईटिंग देन कार्निवोर। हर्बीवोर जो घास खाते हैं, आपने कैटल्स को देखा होगा, शीप्स को देखा होगा, ये ज्यादा टाइम लगाते हैं एज कम्पेयर टू कार्निवोर। दे नीड मोर एरिया टू सर्चिंग ऑफ फूड। जाहिर है इन्होंने एक काफी घास खानी है, तो इनकी अपनी च्वाइस की भी ग्रासेस होनी चाहिए, तो ये काफी ज्यादा एरिया घूमती फिरती हैं, देन इनको कोई अपनी च्वाइस का मिले तो फिर ये खाते हैं। लिमिट देयर ग्रेजिंग टाइम टू अवॉइड प्रीडेशन। समटाइम ये अपना टाइम ऑफ ग्रेजिंग कम भी कर देती हैं, अगर इनको खतरा हो कि कोई शिकारी या कोई भी लाइन टाइगर्स वगैरह इन पर अटैक करने वाला, तो ये अपना जल्दी से ग्रेजिंग टाइम खत्म कर देती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज रैपिड देन कार्निवोरस इनवर्टिब्रेट। कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का इनका जो है ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा एक्टिव होता है हर्बीवोर्स का, कार्निवोर इनवर्टिब्रेट की तरह का। ये देखें जी, जो मैंने अभी वर्ड्स बोले, ये ट्यूब वर्म है,
ठीक है, ये ट्यूब वर्म की एग्जांपल है। ये ज्यादातर हमारे पास सी वाटर में टेरेस्ट्रियल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे पास ट्यूब वर्म का एक जिसे कहते हैं हिस्टोलॉजी है, ठीक है। सस्पेंशन फीडर प्रॉपरली जो क्या है, इट इज द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड फूड पार्टिकल फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर बाय सम सॉर्ट ऑफ कैप्चर। ये कैप्चर कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं या फिल्टर कर लेते हैं, इन तीनों में से कोई भी चीज करें तो इनका मकसद ये होता है कि पानी में भी जो चीज तैर रही है उसको ये जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। इनकी जो फीडिंग स्ट्रेटजी में जो चीजें इन्वॉल्व है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पास्ट द फीडिंग स्ट्रक्चर। जो इनका फीडिंग स्ट्रक्चर जैसे माउथ है, गिल्स हैं, या कोई फिल्टर लगा हुआ है इनके माउथ के आगे, वहां से अपना पानी गुजारते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर। अब उधर से पानी गुजारने के बाद जैसे छन्नी काम करती है, हम पानी गुजारें तो वो जितनी भी पार्टिकल्स होते हैं वो छन्नी में रह जाते हैं, बाकी पानी नीचे आ जाता है। तो इस तरह से ये बाकी फूड को ट्रैप कर लेते हैं और जो पानी है वो आगे मूव हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट टू माउथ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जितना भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो माउथ से आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में सेंड कर देते हैं। दूसरी जो हेडिंग है वो है डिपॉजिट फीडर, दीज एनिमल्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सेडिमेंट्स। ये जो रॉक्स वगैरह होती हैं, पत्थर वगैरह पड़े होते हैं, छोटी छोटी चट्टानें पानी के अंदर पड़ी होती हैं, उनके अंदर छोटे छोटे डिप्रेशंस आ जाते हैं, तो उनके अंदर जो फूड होती है, सॉफ्ट बॉटम हैबिटेट ऑफ टेरेस्ट्रियल सॉइल, ठीक है, ये वहां से अपनी फीड को वहां से जो है वो जैसे कहते हैं ना कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्जी, ये आपने एग्जांपल पढ़ी होगी स्पॉन्जीज, ये कब पढ़ी थी आपने, हाँ पिछले सेमेस्टर में आपने चैप्टर नंबर, ये जो आप कॉर्डेट डाइवर्सिटी 1 और कॉर्डेट डाइवर्सिटी 2 पढ़ रहे थे ना, आई थिंक सो 1 में ये वाली आपने स्पॉन्जीज के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। वहां पे ये है कि स्पॉन्जीज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि यहाँ पर जिसे कहते हैं छन्नी लगी हुई होती है, ये फिल्टर लगा हुआ होता है, तो ये पानी को पहले निकालते हैं या अंदर लेके आते हैं, तो यहाँ पे ये जितना भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको यहाँ पे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये देखें, वाटर ड्रैग इनटू द एंट्रेंस ऑफ द फिल्टर चैम्बर थ्रू द ओस्टिया। ओस्टिया इस जगह को कहते हैं, ठीक है, ये जितने भी सुराख नजर आ रहे हैं ये ओस्टियम्स हैं, ठीक है, और जहां से पानी बाहर निकलना है उसको कहते हैं जो है वो ओस्कुलम, ठीक है। वाटर फ्लो इनसाइड, यहां पे वो पानी अंदर जाएगा, इन फिल्टर्स के जरिए निकलेगा पानी जो है वो, उसके बाद जितना भी चीजें अब्सॉर्ब करने के बाद पानी दोबारा से यहाँ से वापस निकाल दिया जाएगा बॉडी से। उसके बाद असीडियंस, असीडियंस भी बिल्कुल इस तरह से करते हैं, इनकी ये इसकी जो है वो जिसे कहते हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी है, और इसको जरा उन्होंने अंदर से डीप उसका स्ट्रक्चर जो है वो शो किया हुआ है कि किस तरह से इसका भी साइफोन्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, साइफन्स और यहाँ पे फेरिंग्स वगैरह मौजूद होते हैं। ये पानी आता है अंदर से फिल्टर होने के बाद पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक्टोप्रोक्ट फीडिंग, ये भी बिल्कुल इस तरह से होती है, देखें आपको नजर आ रहे हैं काफी किस्म के यहाँ पे फिल्टर फीडर्स नजर आ रहे हैं, ये भी देखें आपको बिल्कुल यहाँ पे फिल्टर फीडिंग सक्शन पंप नजर आ रहे हैं। ये उन्होंने कहा है कि हमारे पास यूमेटेला ग्रेसिस इज द कॉमन फ्रेश वाटर स्पीशी इन द नॉर्थ अमेरिका। ये ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में होती है। इसका जो कैलिक्स होता है वो कप शेप होता है, और ये बियर सर्कुलर क्राउन की तरह का होता है, टेंटिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं, और ये स्टाक के साथ ये जो है किसी भी जिसे कहते हैं ना हार्ड सब्सटेंस के साथ स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है वहां पे, और फिर वहां पे एडहेसिव स्ट्रक्चर्स के जरिए अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्रैकियोपोड्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भी मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास फिल्टर फीडर्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, फीडिंग अपेंडिजेस एक्ट एज अ हमारे पास एक्टोकार्पस फिल्टर्स के तौर पे काम करता है। फीडिंग के तौर पर इसको हम बैक्टीरिया और प्रोटोजोआस की तरह का एग्जांपल देते हैं। ज़्यादातर ये हर्बीवोर्स मतलब जितने भी ज़ेब्रा मसल्स और इन फिशेज के ऊपर ज़्यादातर काम करते हैं, और ये गेस्टेशन पीरियड इनका फ्यू वीक्स वगैरह होता है, और उसके बाद ये प्रीडेटर्स होते हैं मतलब प्रे करते हैं। इनका जो डाइजेशन होता है, हमारे पास फिरोनॉइड्स हैं या ब्रायोजोन्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ठीक है, ये जो नाम मैं बोल रही हूँ ये एनिमल्स के नेम है। इनकी शक्ल जो है वो यू शेप होती है, ठीक है, और ये भी अपना वन वे फीडिंग करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से बॉडी से रिमूव करवा देते हैं ऐसे करके, ये वन वे इनका फीडिंग मेथड है। अच्छा जी, क्लास बाइवाल्विया में क्या होता है जी, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, इसके अंदर इनकरंट साइफन मतलब इनकरंट होता है पानी इनसाइड आना, और एक्सकरंट होता है बाहर की तरफ जाना। इसके अंदर ग्लैंड सेल्स होते हैं, गिल्स होते हैं, लेबियल होता है, लेबिया होता है जिसे हमारे माउथ में जिसे कहते हैं
सेक्रेशन होती है, इस तरह से इनकी बॉडी में भी लेबियल सेक्रेशन होती हैं। ये जो अब इसके बाद म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इनकी बॉडी के अंदर, इंटेंगल पार्टिकल्स को इंटेंगल करने के लिए। फूड जो होती है वो म्यूकस के साथ मिक्स होकर क्या बना देती है, गिल्स में चली जाती है, और सीलिया और डिफरेंट लेबियल स्ट्रक्चर जो होते हैं म्यूकस के साथ मिलकर माउथ में रह जाते हैं। सम बाइवॉल जैसे सिपियाँ नहीं होते गूंगे और सिपियाँ, अगर किसी का टच हो कभी समंदर वाली साइड पर जाने का तो वहाँ पर आपको काफ़ी गूंगे सिपियाँ मिल जाती हैं, इनको कहते हैं जी, इस स्पीशी को हम बोलते हैं बाइवाल्विया स्पीशी, ये आपको नजर भी आ रही होगी कुछ इस तरह से। अब ये मैं आपको कह रही थी जो हमारे कसम टाइम पानी जहाँ पे खड़ा होता है बेसन वाली साइड या ऊपर छत पे कहीं पे, तो yes, ये हमें काफी मिलने को दिखने को मिलता है, और बहुत ही स्लो स्लो मूव कर रहा होता है, और अगर इसको मारा जाए तो अंदर से व्हाइट पल्प जो है वो निकलता है। पॉलीकीट से हम बोलते हैं, पॉलीकीट कीट होता है फूट, कीट इसके पाँव को कहते हैं, और पॉली मतलब बहुत ज्यादा। ये देखिए काफी सारे इसके अपेंडिजेस हैं यहाँ पे। ऑन सम पॉलीकीट्स द सीटी मतलब सीटा जो आर लॉन्गर एंड आर कॉल द पैरापोडिया, पैरा मतलब काफी सारे, पोडिया पाओ को कहते हैं, एंड आर यूज एज अ पैडल्स मतलब जिसे मूव करने के लिए काम करते हैं। पैरापोडिया आर देयर मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, इनका बहुत ज्यादा कॉमन फीचर है पैरापोडिया, ये आराम से पहचाने जाते हैं कि ये आर्थ्रोपोड की एग्जाम्पल है, क्रस्टेशियन स्पीशीज से बिलोंग करते हैं और इनको हम पॉलीकीट्स बोलते हैं। हायर इनवर्टिब्रेट्स में जैसे हमारे पास गैस्ट्रोपोड्स आ जाता है फीडिंग स्ट्रेटजीज में, ये देखिए हमारे पास ये हर्बीवोर है, ग्रेजर्स इस तरह से करते हैं फिल्टर फीडिंग, ये एनिमल्स हैं, कार्निवोर प्रीडेटर्स ये एनिमल्स हैं, और इनका इस तरह से मेथड होता है। सबसे पहले आ जाता है डिपॉजिट फीडर, तो दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सेडिमेंट्स ऑफ द सॉफ्ट बॉटम जैसे मड होती है दलदली इलाकों से और सैंड से लेते हैं। दे सिंपली स्वेलो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द सेडिमेंट्स, ये जैसे रेत काफी ज्यादा अमाउंट में खा जाते हैं, उसके अंदर जो चीजें ऑर्गेनिक मटीरियल वगैरह होता है फिर उसको लेकर बाकी चीजों को निकाल देते हैं। यूजेबल न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट एंड रिमेनिंग पास आउट, जैसे इनकी बॉडी में रेत वगैरह के अंदर जो चीजें होती हैं उनको खा लेते हैं और जितनी भी रेत या कोई और सेडिमेंट्स वगैरह है उसको फिर ये निकाल देते हैं। यूज टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग, इनके टेंटिकल्स होते हैं काफी बड़े बड़े, और ये इसके अंदर हमारे पास सी कोकम्बर, ये याद आया आपको सी कोकम्बर से आपकी स्टारफिश वाला चैप्टर के अंदर आपने ये काफी इसकी एग्जाम्पल पढ़ी होगी कोकम्बर की, और ये पॉलीकीट्स, ठीक है। ये आ जाते हैं जी सस्पेंशन फीडर वर्सेस डिपॉजिट, ये देखें जी ये सस्पेंशन फीडर है, ये पानी है और पानी के अंदर ये काफी अमाउंट में ये क्या पड़े हुए हैं फूड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ये सस्पेंडेड अंदर आते हैं, ये इस टेंटिकल्स के जरिए मूव करके अपनी बॉडी में ले जाते हैं, ठीक है। डिपॉजिट फीडर्स में क्या होता है, ये कोई रेत है या कोई ऐसी चीज है जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये अपनी माउथ में ले जाते हैं सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और देन अपनी बॉडी में डाइजेस्टेड फॉर्म में अगर जो होता है वो यूज कर लेते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में होता है उसको निकाल देते हैं। डिपॉजिट फीडर की जो फीडिंग और डाइजेशन कैसे होती है, रनिंग थ्रू ऑल द अर्थ फॉर्म सेडिमेंट्स, ये देखें आपको यहाँ पे ना सेडिमेंट्स नजर आ रही हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, ये इस तरह से इसकी पूरी बॉडी सेडिमेंट्स में कन्वर्ट है। तो कहता है यहाँ से अगर इसने खाया है ना कोई भी चीज, तो एक एक करके सेडिमेंट्स के जरिए ये सारी फूड रन करेगी माउथ से एनस तक, ठीक है। इसको कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक, और इसको कहते हैं ट्यूब शेप, ठीक है। फूड एंड सॉइल टेकन बाय द माउथ पास थ्रू द फेरिंग्स, सबसे पहले जो सॉइल से ली जाएगी वो फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स के बाद जाएगी क्रॉप में, क्रॉप के बाद जाएगी गिजर्ड में, गिजर्ड के बाद मस्कुलर सैक में, ठीक है, जो कि हार्ड है, और वहां पे ग्राइंडिंग होगी, ग्राइंडिंग के बाद वो इंटेस्टाइन में जाएगी, और देन वो एनस में चली जाएगी। ये देखिए आपको नजर भी आ रहा है माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर एसोफेगस, क्रॉप, ये जो आपको नजर आ रही है, फिर गिजर्ड कहता है, और ये एक मस्कुलर इसकी वो कह रहा है जो है वो सैक है, इसके बाद इंटेस्टाइन में, और देन ये एनस में होती हुई बाहर निकल जाएगी इस तरह से। ये आपको नजर आ रहा है अगर सही से इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये देखें हर एक पैरापोडिया और डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर्स, हेड, एंटीना, सीटा वगैरह उसके नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास हर्बीवोरी, तो हर्बीवोरी में हमारे पास फीडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, रिक्वायर्ड टू एबल बाइट एंड च्यू, जैसे हम हर्बीवोरी की तरह ही बाइट करते हैं और उसको फिर च्यू करके हम उसको छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करते हैं, देन वो उसको हम अपनी माउथ के अंदर वाली साइड पर लेते हैं। सबसे पहले बाइट करना है, फिर उसको च्यू करना है, मैकेनिज्म विद जो है वो आर्किटेक्चुअल फ्रेमवर्क होता है हमारे माउथ का, नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट जो है वो लीनियर इसमें होता है, करेक्टराइज बाय द डिवेलपमेंट ऑफ हार्ड सर्फेस होता है, जैसे हमारी बॉडी में टीथ होता है, बर्ड्स में बीक्स होते हैं,
हैं और ये हमारी बॉडी, और ये जो जो भी हम सॉफ्ट पार्टिकल, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई हार्ड चीज़ भी खा रहे हैं तो उसको भी हमारे दांत जो हैं और जो हमारी टंग है उसको बड़े अच्छे से स्वेलो करके और बड़े स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट कर देती है। और इसमें हमारे पास मोलस्क, पॉलीकिड्स और आर्थ्रोपोड्स वगैरह आ जाते हैं। अभी हम ना इनवर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम वर्टिब्रेट की बात करेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास मोलस्क, यूज रेडुला लाइक स्ट्रक्चर। इसके ना माउथ से आगे एक स्ट्रक्चर होता है रेडुला, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा टंग, इसको आप ये कह लें एक्स्ट्रा माउथ या एक्स्ट्रा टंग। ये थोड़ी सी हार्ड होती है तो ये स्क्रैप करने के तौर पे जो है वो होती है। इट इज जो है वो मस्कुलर होती है, काइटनस टीथ होते हैं, मतलब थोड़े से जैसे कहते हैं जैसे हमारा कानों की हड्डी है ना इस तरह की होती है। स्क्रैप करते हैं रॉक को, अल्जी को और लीव्स को। पॉलीकिड क्या करते हैं, इनका प्रोबोस्किस होता है, माउथ से आगे भी एक छोटा सा माउथ होता है, ये भी अल्जी को स्क्रैप करने के लिए यूज होता है। मैक्रो हर्बीवोरी क्या होती है, दे हैव पावरफुल मैंडिबल्स, मैंडिबल्स कहते हैं जबड़ों को, ठीक है। इनके जबड़े बड़े काफी पावरफुल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये जो हनी बी है, हनी बी का जबड़ा, और उसके अलावा जो हमारे पास वेस्प होते हैं, वेस्प के जबड़े वो स्ट्रांग होते हैं जहां पे बैठ जाए। इसके अलावा मॉस्किटो के जबड़े जहां पे बैठ जाए डंग मारने के अलावा, डंग मार के वहां से उठते हैं, ठीक है, तो बहुत स्ट्रांग इनका जबड़ा होता है, ठीक है। गैस्ट्रोपोड में क्या होता है, मोस्ट गैस्ट्रोपोड्स आर हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब जो है वो उसके फीडिंग करते हैं ग्रासेस के ऊपर, अल्जी के ऊपर, फीडिंग स्क्रैप ऑफ अल्जी एंड हार्ड सरफेस यूजिंग द रेडुला। स्केवेंजर्स क्या होते हैं, डेड चीजों को खाते हैं, जितनी भी गली सड़ी चीजें होती हैं वो रेडुला को यूज करके वहां से ईट करते हैं। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे रेडुला में आपको दिखाते हैं, ये है रेडुला लाइक स्ट्रक्चर ये वाला, ठीक है। ये माउथ होगा, ये पीछे स्टमिक और ये वाला, और ये रेडुला मतलब माउथ से आगे भी एक माउथ होता है, ये इस तरह से हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं ये वाले, ये जो आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद कहता है इट इज इट पॉसिबल फीड अ स्नेल, स्नेल जो है वो फीड करता है, जिसको हम गार्डन स्नेल बोलते हैं। द बेसिक फुल डाइट ऑफ द होम स्नेल जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड द लेटस, ये जो बंद गोभी होती है ना या सलाद पत्ता जिसे हम बोलते हैं, उसके ऊपर लीव्स के ऊपर ये ज्यादातर सुराख कर देता है, नेचुरल हर्ब के तो ऊपर, एज वेल एज शूट ऑफ द सीरियल, जितने भी गंदम वगैरह या अदर सीरियल्स होती हैं उनके, कैरेट की सीड्स के ऊपर या उसके लीव्स के ऊपर जो है वो सुराख कर देता है। मैनी ओवरलिंग जो है वो जाइट मोलस्क लाइक फ्रेश चाइनीज कैबेज, ये जो चाइनीज के इस तरह के पत्ते होते हैं या सलाद पत्ता या कैबेज होती है उसके ऊपर ये पत्तों के ऊपर खाता है और उनके अंदर जो है वो सुराख कर देता है। उसके बाद आर्थ्रोपोड की अंदर जो डाइजेशन, आर्थ्रोपोड हम बोलते हैं इंसेक्ट को, ये देखें तो इंसेक्ट कैसे डाइजेशन करता है। आर्थ्रोपोड हैव अ कंप्लीट वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से फिर एनस की तरफ जो है वो जाता है, गट एंड वेरियस प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फीडिंग इनकी कैसे होती है, हर्बीवोर, कार्निवोर और जो ओमनीवोर होते हैं, ब्लड सकर्स, फिल्टर फीडर जो है वो डेट्रीवोरस एंड पैरासाइट्स होते हैं। माउथ हैव इवॉल्व्ड अलाउ द ईटिंग ऑफ द इमेजिनेबल, ठीक है। उसके अलावा पिंकर लाइक सेल्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल सा माउथ होता है और बिल्कुल चुभ जाता है एकदम जो है वो उसको प्रे को और उसको उसकी डेथ हो जाती है। मोलस्क एवोल्यूशन क्या होती है, ये देखिए इस तरह से, ये रेडुला है गट और ये गिल है इसका, ठीक है। ये काइटनस इसका होता है, ये बाइवॉल्व मतलब जिसको हम सिपियां और गूंगे बोलते हैं। गैस्ट्रोपोड्स में हमारे पास स्नेल्स आ जाते हैं, ठीक है, और सेफेलोपोड्स में हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट और अदर जो है वो एनिमल्स। उसके बाद आ जाती है हमारे पास प्रीडेशन, प्रीडेशन होती है शिकार करना, ठीक है। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फीडिंग, और ये कैप्चर करता है प्रे को, और उसके बाद जो प्रीडेटर होता है वो क्लासिफाइड होता है। सबसे पहले प्रे मोटाइल होता है, स्टॉकर एक्टिवली परस्यू द प्रे, ठीक है। ये प्रे को शिकार करने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो जैसे कहते हैं ना जैसे घात लगा के बैठा हुआ, बल्कि छुप के बैठा हुआ है और शिकार आएगा उसको पकड़ लेगा। लर्किंग प्रीडेटर साइट एंड वेट द प्रे, एक तरफ छुप कर बैठ जाएगा, लर्किंग होता है छुप के बैठ जाना और फिर वेट करना, कोई प्रे आएगा तो उसको फिर इसने सीज कर लेना, कैप्चर कर लेना। सिसाइल होता है बिल्कुल इमूवेबल हो जाना, अगर कोई आता हुआ शिकारी को देखकर इमूवेबल हो जाना। दे कैन ओनली कैप्चर देयर प्रे व्हेन द प्रे ऑर्गेनिज्म्स कम इनटू द कांटेक्ट, जब वो उनके जगह पर आ जाता है फिर उसको कैप्चर करता है। ग्रेजिंग आपको पता है, कार्निवोरस भी पता है, और पिकिंग अप स्मॉल ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जैसे लिजर्ड पिक करती है उस तरह से। देयर डाइट यूजली कंसिस्ट लार्जली सिसाइल एंड स्लो मूविंग एनिमल्स। मोटाइल स्टाकर में क्या है, प्रोटोजुआ और पॉलीकिड्स हैं, वर्म है, गैस्ट्रोपोड है और गैस्ट्रोपोडास वगैरह है, ठीक है। लर्किंग जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना छुप के बैठ गए एकदम घात लगा के बैठे हो, तो उनमें स्पाइडर हैं, जैसे ये हमारे घरों में भी होता है। सिसाइल में हमारे पास स्नाइडेरियंस आ जाते हैं, ठीक है, और ग्रेजिंग में स्पॉन्जिस और एक्टोपस वगैरह आ जाते हैं।
सी स्टार फीडिंग में क्या होता है, सी स्टार फीडिंग अब बाइवाल्व ओपन अप इनटू अ ट्यूब शेप, ये देखिए इनकी यहाँ पे माउथ होता है और ये इसके आर्म्स वगैरह होते हैं। सी स्टार एवर्ट इट्स स्टमक इनटू द बाइवाल्व शेल एंड डाइजेस्ट द मीट इनसाइड स्टमक जो है वो रिटर्न टू द इन्फीरियर ऑफ द सी स्टार, जितना भी ये अंदर मटीरियल होता है यहाँ पे चला जाता है। सक्वीड होता है, ये भी स्वेलोपोड्स वगैरह की तरह का होता है। हेड ऑफ द सक्वीड विच बियर द आर्म्स ऑफ द टेंटिकल्स और मॉडिफाइड फूट, इनके फूट मॉडिफाइड होते हैं और ये पकड़ पकड़ के अपने शिकार को मौत में लेकर आ रहे होते हैं। स्पाइडर कैसे करता है ये देखें, ये स्पाइडर है, स्पाइडर आर स्मॉल हमारे पास सिक्योरिंग क्रिएचर्स हैं। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को 8 लेग्स होती हैं इनकी, 6 हमारे पास सॉरी इसकी कितनी लेग्स होती हैं, 8 लेग्स होती हैं। और उसके अलावा इसकी बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट में कन्वर्ट होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमन। ठीक है, स्पाइडर की जो फैमिली है वो 70,000 इसके स्पीशीज हैं और इसके अंदर जो है वो स्कॉर्पियन भी आ जाता है जिसे बिच्छू बोलते हैं हम लोग, माइट्स भी आते हैं, टिक्स ये गधों के सॉरी ये भैंस के ऊपर और डॉग्स के ऊपर, ये छोटे छोटे जिसे हमारे जो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे उसकी बॉडी के ऊपर होते हैं। स्पाइडर लिव इन द रॉक्स के ऊपर और उसके अलावा ये ज़्यादातर कहाँ पे वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, वेजिटेशन ऑन द फीटिनी क्रिएशन, छोटे छोटे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये फीड करता है। सम प्रीडेटरी स्नेल जो होते हैं, ये देखें आपको स्नेल नजर आ रहा है, ये ड्रिल करते हैं, सुराख करते हैं, जैसे हमारे घरों में वो ड्रिलिंग मशीन नहीं होती जो हम जिसे कहते हैं ना क्या लगाने के लिए, कील लगाने के लिए हम यूज करते हैं, वैसे ये ड्रिल कर देते हैं, ये सुराख कर देते हैं, ये देखें सरफेस के अंदर से सुराख कर देते हैं ये जितने भी स्नेल्स होते हैं। फीडिंग नेरेसिस क्लैम वर्म होते हैं ये वाले, ठीक है, ये क्रॉल करते हैं मेराइन सर्फेसिस के ऊपर, हंट करते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स वंस लोकेटेड इन द प्रे एंड सीज्ड, ठीक है, प्रे को अगर इन्होंने शिकार करना तो प्रे को एकदम पैरालाइज कर देते हैं, वो आगे से मूव नहीं कर सकता फिर वहां से। इनका काइटनस जॉज और जॉ जबड़ा इनका बड़ा मजबूत होता है और रैपिडली कन्वर्ट मस्कुलर फेरिंग्स, उसके बाद उसको बिल्कुल मजबूती से चबा लेते हैं। पैरासाइटिक प्रोटोजुआ में क्या होता है, दे आर विदन द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द सेक ऑफ फूड शेल्टर और कंटिन्यूअस रेस होती है। द पैरासाइट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द जो है वो कैटेगरी ऑन द अकरन, सबसे पहले एक्टो पैरासाइट होता है और एंडो पैरासाइट। एक्टो कौन सा होता है, जो बाहर रहता है, जैसे लाइसिस होते हैं जुमे वगैरह सर के बाहर या माइट्स या टिक्स वगैरह, और एंडो पैरासाइट होता है जो बच्चों के पेट में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं जिसे हम लोग एस्केरिस वर्म्स बोलते हैं, वो उसको हम कहते हैं एंडो पैरासाइट्स। ठीक है, सरफेस न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, दे डायरेक्टली अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नली, जितनी भी सरफेस के ऊपर ऊपर जो चीज़ें पड़ी होती है ना उनको ये फीड करता है फ्लोइड के में से, और ये एंडो प्रोटोजोआ भी हो सकता है, सिस्टोर्ड इसमें आ जाता है, एंडो पैरा में गैस्ट्रोपोड भी आ जाता है, क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, इनका माउथ नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, दे अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सरफेस, ये जैसे पानी मेरे हाथ को लगे और मेरा हाथ पानी अब्सॉर्ब कर ले, इस तरह से इनकी बॉडी होती है कि बॉडी को पानी लगता है और बॉडी पानी अब्सॉर्ब कर लेती है। फ्यू नॉन पैरासाइटिक मल्टीसेलुलर में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है और उनके अंदर माउथ भी होता है, इनकी शक्ल इस तरह की होती है, देखें पानी अगर यहां से गुजरेगा ना तो ये सारी बॉडी इसकी पानी जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कौन सी वाली फीडिंग, इंटेस्टाइनल फीडिंग्स, तो इसमें निमाटोड्स आ जाते हैं जो बाइट करते हैं, ठीक है, जैसे शक्कर ब्लड शक्कर भी होते हैं, इसमें एक्टोपैरासाइट भी हैं, इसमें माउथ पार्ट होता है और बॉडी फ्लूइड्स के तौर पे ये काम करते हैं। इंसेक्ट हैव हाईली डिवेलप सकिंग, इंसेक्ट की बहुत ज़्यादा सकिंग डिवेलप होती है हाईली, और ये नेक्टर फीडिंग करते हैं, जैसे हमारी हनी भी है, अदर एनिमल जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, अदर फीडिंग बर्ड्स भी होते हैं, इसमें बिल्स बनाते हैं, मैमल्स भी इसमें हैं जिसमें बैट्स फैमिली वैम्पायर बैट है, ठीक है, नेक्टर फीडिंग बैट हैव लॉन्ग टंग, ठीक है, जिनकी जो बैट जो चमगादड़ जिसे हम बोलते हैं जो नेक्टर फीड करती है ना उसकी टंग बड़ी लॉन्ग होती है, जैसे कि सी लैम्प्रेज में भी हमारे पास आ जाती है फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फनल मतलब लंबा सा स्ट्रक्चर होता है और ये 200 रेस्पिंग टीथ होते हैं, लंबा सा एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, और इतने लंबे स्ट्रक्चर में 200 तक टीथ होते हैं, ठीक है, और ये ब्लड को सक करती है। अब ये आपने डिफरेंस खुद ही पढ़ लेना है एंडोपैरासाइट का और एक्टोपैरासाइट का, मतलब क्या क्या होता है इसमें, ये कहाँ पे लिव करते हैं, ये कहाँ पे करते हैं, इनका टेम्परेचर कितना होता है, ये सारा चीज़ें आपने खुद ही इसको देख लेना है कि एंडोपैरासाइट में और एक्टोपैरासाइट में क्या फ़र्क है। ये देखिए हनी भी है, हनी भी कैसे कर रही है, ये देखिए टेंटिकल उसने अपने यहाँ पे जो है वो उसने लेग्स रखी हुई है और ये इसको सक कर रही है। ये है बटरफ्लाई फीडिंग, बटरफ्लाई कैसे फीड करती है नेक्टर को, ठीक है,
उसके बाद आ जाती बर्ड फीडिंग, बर्ड कैसे फीड करता है नेक्टर को, उसके बाद नेक्टर फीडिंग, ये भी बर्ड ही कर रहा है, बिल्कुल लंबी चोंच, और ये देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, और ये इस यहाँ से अंदर से इसका नेक्टर कलेक्ट कर रहा है। ये है जी वेम्पायर बीट, ये देखें इसकी लंबी जुबान है ये देखें, और ये देखो खून के ये जो बर्ड्स हैं, कुछ ही बर्ड्स करते हैं ना नेक्टर फीडिंग, हाँ मतलब हाँ सारे सारे बर्ड्स? नहीं 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 सारे नहीं करते हैं, ठीक है कुछ बर्ड्स करते हैं। अच्छा ये देखिए आपको बैट नजर आ रही है, ये बिल्कुल देखेंगे इस तरह से सक करती है ब्लड, इसको वेम्पायर खून पीने वाली बैट जो है वो हम बोलते हैं। इस तरह से नेक कुछ चमगादड़ जो है वो नेक्टर भी फीडिंग करती है, ये देखें ये चमगादड़ ये नेक्टर फीड कर रही है, इसकी चूंच है बिल्कुल लंबी सी, और इसकी जुबान है माउथ इसका बिल्कुल क्लो जो है वो राउंड है, और जुबान इसकी जरा लंबी है, ठीक है इस तरह से ये मैमल्स में आते हैं दोनों, ठीक है बैट बैट जो है वो मैमल्स में आती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने काफ़ी वैरायटी ऑफ एनिमल्स की फूड स्ट्रेटजीज, उसकी फूडिंग फीडिंग हैबिटेट, उसका मैकानिज़म्स, वो कैसे इनटेक करता है, उसका सारा प्रोसेस वगैरह हमने देखा है, और डायग्राम के साथ भी हमने कोशिश की है कि उसको इजीली हर एक चीज़ को जो है वो डिफाइन करके बताया जाए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना रहे, ठीक है। और अभी आपको इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी रेलिवेंट किसी भी स्लाइड से रेलिवेंट कोई भी टॉपिक को जो आप लिख लिया करें ना रजिस्टर के ऊपर, कहीं से भी समझ नहीं आ रही हो एट द एंड ऑफ द टॉपिक आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ दोबारा से बता दें, ठीक है।